देखिए साबुत जीरा है, इसको हमने भून लिया है बढ़िया से। अब इसको पीसेंगे, और जो दही बाड़ा बनाना है हमको तो हम छाछ मंगवाए हैं उसमें पीस के मिलाएंगे। तो इसको हम पीस के रेडी रखते हैं, तब तक हम बाड़ा को छानेंगे। चलिए हमारे देखिए 10 मिनट हो गया है, ये देखिए फूल गया है। इसको अब अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राम राम दोस्तों। तो देखिए ये उड़द का दाल है, इसका जा रहे हैं हम फुलौड़ा बनाएंगे, बिहारी खाना, बिहार में हम लोग फुलौड़ा इसको बोलते हैं। तो चलिए इसको हम भेज देते हैं 4 घंटे के लिए। ये धोई भींग गया है उड़द का दाल, इसको हम अच्छे से धो लिए हैं, बढ़िया से फूल भी गया है। तो चलिए इसको हम पीसते हैं। अब इसको हम जार में रखेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे कि ये गर्म ना हो, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसना है। देखिए कितना अच्छा पिसा गया है, इसी के साथ साथ ये फेटा भी गया है, इसको हाथ से फेटने का ज़रूरत नहीं है, ये बढ़िया से एकदम फेटा गया। इसको हम निकालेंगे, फिर एक बार पीसेंगे दूसरा वाला। देखिए ये थोड़ा सा हींग है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। देखिए इसमें पूरा हींग डाल देंगे, हींग डालने से बढ़िया रहता है, स्वाद भी आता है और पेट और दर्द नहीं होता है। उड़द का दाल है इसीलिए हींग डालना बहुत ज़रूरी है। और ये गुल मिर्च है, इसको हमने कुछ लिया है, इसको भी हम डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसको हम बढ़िया से मिला देंगे, नमक और गुल मिर्च हींग सब हम डाल दिए, और इसको बढ़िया से मिला देंगे एकदम। देखिए मिला दिए बढ़िया से सब, अब पानी में डाल के हम देखते हैं, ये फेटने का ज़रूरत नहीं है, देखिए पीसने से ही ये फेटा गया है। देखिए ये ऊपर आ गया, तो ये मतलब ये हो गया, ये फूल गया है, अब इसको हम छान सकते हैं। देखिए साबुत जीरा है, इसको हमने भून लिया है बढ़िया से, अब इसको पीसेंगे, और जो दही बाड़ा बनाना है हमको तो हम छाछ मंगवाए हैं उसमें पीस के मिलाएंगे। तो इसको हम पीस के रेडी रखते हैं, तब तक हम बाड़ा को छानेंगे। चलिए हमारे साथ अब इसमें तेल डालेंगे, जितना तेल है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा डालने से कढ़ाई में फंस जाएगा तो पलटने में दिक्कत होगा। और आँच को भी खूब तेज नहीं रखना है, धीमा करके रखना है। देखिए धीरे धीरे अपने से ऊपर आ रहा है, इसको पलट देंगे। देखिए ये आराम से पलटा गया है, अब छोटा छोटा डाले थे, देखिए आकार किसका बड़ा हो गया है। अब ये चारों तरफ कड़ा हो गया है, तो इसको कोई चीज से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दीजिए, अंदर भी पक जाएगा। उड़द का दाल अंदर नहीं पकता है, इसलिए ऐसे कोच देने से अंदर भी पक जाता है, फुलौड़ा इसी तरह बनता है। अब इसको हो गया, इसको हम निकालेंगे। देखिए ये हो गया, बढ़िया से पक गया है, इसी तरह सब हम बना लेंगे। देखिए सब छना गया है पूरा, अब हम आपको छाछ का बनाएंगे, बताएंगे कैसे छाछ बना के हम उसमें डालेंगे ये सब। देखिए ये 1 लीटर छाछ है, जिसको हम गांव में मंठा बोलते हैं, और ये जीरा को हमने पीस लिया है, इसको मिला देंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। ये नमक और जीरा हमने मिला दिया है बढ़िया से, अब इसमें ये जो बाड़ा बनाए हैं इसको डाल देंगे। देखिए इसमें मिला दिए, 10 मिनट के बाद हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसा फूल के रेडी हो गया है। देखिए 10 मिनट हो गया है, ये देखिए फूल गया है, इसको अब अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बाड़ा बनके तैयार हो गया है, 10 मिनट में